नमस्कार, बाल मित्र में आपका स्वागत है। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर धुरंधर हिंदी भाषण देखेंगे। यह भाषण लेटेस्ट और आकर्षक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दुश्मनों के सम्मुख जिसने शीश नहीं झुकाया, इतिहास के पन्नों में छत्रपति वीर शिवाजी कहलाया। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त गुरुजन और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के सबसे बहादुर शासकों में से एक थे। वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे भोसले और माताजी जीजाबाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन से ही बहुत बहादुर और वीर थे। वह युद्ध कला में इतने निपुण थे कि उन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में ही पुणे के तोरण दुर्ग पर हमला कर विजय प्राप्त की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज एकता और न्याय में विश्वास रखते थे। उन्होंने महाराष्ट्र की विभिन्न जातियों के संघर्ष को समाप्त कर उनको एकता के सूत्र में पिरोया था। छत्रपति शिवाजी महाराज बुलंद हौसले के मालिक थे। वे एक मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी थे। वह पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने महाराष्ट्र के कोंकण पक्ष की रक्षा के लिए नौसेना बल की अवधारणा पेश की थी। भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर है। लंबी बीमारी के चलते 3 अप्रैल 1680 में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी आखिरी सांस ली। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म दिवस 19 फरवरी को संपूर्ण भारत देश में, विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम सभी देशवासियों को वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के समृद्ध विचारों से प्रेरणा लेकर देश को और भी समृद्ध और सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को प्रणाम करते हुए मैं बस इतना कहना चाहूंगी, ओम कहने से मन को शक्ति मिलती है। ओम कहने से मन को शक्ति मिलती है। साई कहने से मन को शक्ति मिलती है। राम बोलने से पापों से मुक्ति मिलती है। जय शिवराय की बात हमें सो बाघों की ताकत मिलती है। जय शिवराय की बात कहने से हमें सो बाघों की ताकत मिलती है। जय शिवराय, जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।